अलैकुम। तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्लेजर। मैं तो कराची से सुबह सुबह आया हूँ। आई हैव कम टू लाहौर एंड सीन द एनर्जी जो यहाँ पे है, पर्टिकुलरली द यूथ। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू बी हियर। आई एम गोना शेयर समथिंग विद यू। मेरा ये थोड़ा सा एक कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल किस्म का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव लिव्ड अब्रॉड, मैं इंग्लैंड में मैंने पढ़ा, फिर मैंने काम किया, फिर मैंने अमेरिका में किया काम किया, और फिर उसके बाद मैं दुबई में था, और मैं पिछले 3 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है चार्टर्ड अकाउंटेंसी से लेके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और फिर प्राइवेट इक्विटी, और फिर सोशल एंटरप्राइज एनजीओ के सारे एरियाज में है, और अब मैं स्टार्टअप का एक फाउंडर हूँ। सो आई एम गोना टॉक टू यू समथिंग अबाउट कैंपस टू कॉर्पोरेट। और ये ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स खुद एक्सपीरियंस किए, खुद सीखी हैं। या तो मैं हार्वर्ड जब पढ़ता था वहाँ से ये चीज़ें हैं, या मेरे ओन एक्सपीरियंसेस हैं। एंड सम ऑफ देम रिप्रेजेंट सम ऑफ द मिस्टेक्स आई मेड। द ओनली रीजन आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माय लाइफ वाज बिकॉज़ माय मामा वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाउ मेनी पीपल आर डूइंग दैट? मेरे मामा वाज वेरी सक्सेसफुल, एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, एंड आई सेड दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू डू। सो आई डिड दैट, एंड दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। दैट्स नॉट हाउ यू डू योर करियर, दैट्स नॉट हाउ यू गो फ्रॉम द कैंपस टू कॉर्पोरेट। यू डू थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट, because also a lot of it is my own learning, my own mistakes, my own evolution, and hopefully you can get something from it. So that's why I call it, it's a journey of relearning. आपने चीजें सीखी हैं, आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको कुछ चीजें भूलनी भी पड़ेंगी, कुछ चीज नई चीज करने के लिए। Discovering and actualizing. Actualizing is a very different word. लोग कहते हैं success करते हैं इस्तेमाल, but actualize is a very interesting word because it, what it means is that human beings, we have a lot of potential. हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत होता है, मगर हम उसको एक्चुअलाइज नहीं कर सकते, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कभी वो हमारी अपने ऑब्स्टिकल्स होती हैं, कभी हमारे सोसाइटी के ऑब्स्टिकल्स होती हैं। सो ऑल द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ओवरकम दोस ऑब्स्टिकल्स एंड टू एक्चुअलाइज द ह्यूमन बीइंग। अशरफ मक्का खुदा ने हमें बनाया है, उसको हम किस तरह आगे लेके जाएं। सो आई एम गोना बिगिन विद दिस स्लाइड इफ आई कैन लीव इट। दिस जिंदगी में हर चीज स्टेजेस में होती है, फेज में होता है। That's a fact. आप अपने एक्सपीरियंस से भी देख सकते हैं, बाकी चीजों से भी देख सकते हैं। आप जब है स्टूडेंट लाइफ में है, एकेडमिक लाइफ में है, देन यू हैव टू गो टू अर्ली स्टेज करियर, एंड देन यू हैव टू गो टू मिड स्टेज करियर। व्हाट डज इट से एट द एंड, एट द टॉप? सो व्हाट डज इट मीन एट द टॉप? व्हाट गॉट यू दिस फार इज नॉट नेसेसरली व्हाट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। कहने का मतलब ये है, हर स्टेज पे आपने अपने आप को इवॉल्व करना है, हर स्टेज पे आपने अपने आप को डेवलप करना है। बिकॉज वो चीज़ जो आपको सक्सीड करती है इस लेवल पे, इट मे नॉट बी द थिंग दैट विल मेक यू सक्सेसफुल एट द नेक्स्ट लेवल। आप अगर देखिए, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, इट्स अ सोल ऑफ लाइफ, आप खुद मेहनत करते हैं, आप बहुत डिपेंडेंट नहीं हो दादा पे, यू आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ। जीरो सम गेम, इट्स ओनली वन पर्सन कैन कम फर्स्ट, then the second person and third and fourth, so zero sum game. So my gain is someone else's loss. If main zyada mehnat karunga to dusra piche jayega. Effort is output. Kitni mehnat karenge, kitni padhai. Jab main o a level mein padhta tha to main, I could sit for hours and hours and hours, and I could study like endlessly, because the more effort you put in, the more output you get, one on one output. IQ trumps EQ. We don't care, you're not there to be popular, frankly. You're there to do well in your studies, you do well in your exams. Jitne A stars, A plus, metric mein, board mein position achhi aayi. These are what works, these are positive attributes. These are what works as a student academic life. So I'm going to say to you that every stage, now you're going to go into a next stage and the next stage, and always say, what took you this far? You may be a brilliant student. And aapke baad bahut examples honge. Students, you're both brilliant, only, but they don't do very well in the successful in their career. Why? Because they don't unlearn and relearn and try different things. वो कहते हैं यार मैं ये चीज अच्छा हूँ, मैं solo flight में अच्छा हूँ, मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा और मैं कामयाब होगा. That's not how it works. So what gets you this far is not necessarily what gets you to the next level. And this is what I'm saying. At every stage of your life, you need to evolve. Develop new skills, but more importantly, mindset. आपको चाहिए in order to grow into the next level. वही चीज करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
If you are 15 year old, you do something, everyone looks at you, you are what a great teenager. You should do the same thing when you are 20 saal ke, 24 saal ke, people say, yeah, yeah, kya baat hai. You know, it's not the same thing that would work. So you have to think about the next step. Dusri baat ye hai ki the other thing is a shift in consciousness and a shift in capabilities. Ye bada important hai. You have to think very differently, you have to think holistically. When you go from one stage to the next stage. So this is very important. The one message from the slide that you need to get is what got you successful at this stage is not necessarily what's going to make you successful in the next. You need to develop new skills, mindset, and consciousness in order to get to the next level. Some of the things that I'll help you navigate in your work life, professional life, help you deal with it better so you don't make the same mistakes that I made. You are not your title. Because when we start at the bottom of the pyramid. We start as an intern, the lowly intern, jo chai banata hai ya bahut basic photocopying karta hai. Aur hum hamesha ye soch rahe hote hain, hamara ye chal hota hai ki yaar jis din main CEO banunga, jis din main MBA banunga, jis din main bada aadmi banunga, usse main leader ban jaunga. ये सोच होती है और आप क्या करते हैं आप डिले करते रहते हैं यार एक दिन मैं बनूंगा एक दिन मैं आएगा एक दिन करेगा या आप जवानी में अब वही सोचते रहते हैं कि वन डे आई विल बी अ लीडर सो वन थिंग आई वांट टू चेक टेल यू इज अबाउट द नेचर ऑफ चेंज एंड लेट ऑफ लीडरशिप चंद्र और टॉम जस्ट नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज व्हाट इज अ लीडर लीडर ब्रिंग्स अबाउट चेंज ठीक है अ लीडर जो भी लीडर है उसको बात करते हैं जिसको आप देखते हैं ही ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंज इन अ सोसाइटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ फैमिली पर हमारा मसला ये कि हम डिस्टिंग्विश नहीं करते कि कौन सा चेंज है एक है चेंज कहते हैं टेक्निकल चेंज है और एक कहते हैं अडैप्टिव चेंज है टेक्निकल चेंज वर्सेस अडैप्टिव चेंज व्हाट इज टेक्निकल चेंज वो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अपनी बिहेवियर चेंज नहीं करना होता जिसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज चेंज नहीं करनी पड़ती जिसमें आपने अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करनी पड़ती व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू अ बिट मोर ऑफ व्हाट यू वर डूइंग बिफोर दैट्स अ टेक्निकल चेंज टेक्निकल चेंज की क्या एग्जाम्पल है जी एक 100 प्रोड्यूस इस साल कर रहे हैं अगले साल 150 प्रोड्यूस कर सो यू आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग पर आपने ज़्यादा करना है अच्छा टेक्निकल चेंज के टेक्निकल सोल्यूशन होते हैं उसको क्या मतलब है पैसे ज़्यादा है बजट ज़्यादा होना चाहिए बंदे ज़्यादा होने सो टेक्निकल चेंज का एग्जाम्पल ये है कि इट इज़ वेरी लीनियर वन आप एक चीज इनपुट डालते हैं और आपको आउटपुट उसमें से मिलता है इट्स वेरी टेक्निकल ज़्यादातर अराउंड बजट प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना हम वो कहते हैं वो टेक्निकल चेंज देन व्हाट डज इट मीन कि अडैप्टिव चेंज क्या है क्या कोई एनीवन हैज अ गेस फॉर व्हाट कुड बी एन अडैप्टिव चेंज टेक्निकल चेंज है कि डू मोर ऑफ द सेम डू मोर ऑफ इट वर्क हार्डर एक्सरसाइज एक दिन करते हैं आप दो दिन करें तीन दिन करें ठीक है व्हाट कुड बी अडैप्टिव चेंज ग्रो बियॉन्ड योर चेंज योर प्रीवियस प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस यस Change according to trends, exactly. Or grow beyond your limits. Grow beyond your limits. See, so grow beyond your limits, or to change beyond. आपने बताया कि grow beyond practices. आप क्या होते हैं ज़िंदगी में आप क्या कहते हैं? ये मेरी limit है. ठीक है. ये मैं past practice है. ये मेरी limit है. मैं यहाँ तक जा सकता हूँ. ठीक है. और यहाँ तक आप जा भी सकते हैं और आगे नहीं जा सकते. Because there is a limit. There is so many number of hours in a day. ठीक है देयर इज सो मच रिसोर्सेज दैट यू हैव एट योर डिस्पोजल द चेंज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इन अ डिफरेंट वे इन ऑर्डर टू गो बियॉन्ड दैट इज एन अडैप्टिव चेंज जब आपके इट्स नॉट अबाउट कि और बजट मिल जाए इट्स नॉट अबाउट और टाइम मिल जाए इट्स नॉट अबाउट और रिसोर्स मिल जाए उसमें यह होता है कि यू नीड टू अडैप्ट समहाउ योर पास्ट प्रैक्टिसेस यू हैव टू चेंज योरसेल्फ You have to change your values, you have to change your priorities. ये बड़ा मुश्किल होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है So you have to change as a human being, you have to develop it. So क्या example है पहले आप मेहनत करते थे एक करते थे अकेले में पढ़ाई फिर आप group में study करें ठीक है So you try to learn from other people, but इसका मतलब है sometimes you have to go fast, sometimes you have to go slow. You can't be a solo flyer in that situation. That's an adaptive challenge. पाकिस्तान के ज्यादातर चैलेंजेस क्या हैं आपके ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर चैलेंजेस क्या हैं आपके ख्याल में टेक्निकल है या अडैप्टिव है अडैप्टिव है हमारे ज्यादातर मुल्क
چیلنجز ہیں, سرکولر ڈیٹ ہے, ٹیکس نہیں دیتے, یہ نہیں دیتے, یہ سارے اڈیپٹیو چینج ہے. سولوشن ہم ان کے اوپر کیا اپلائی کر رہے ہیں, ہم اپلائی کر رہے ہیں ٹیکنیکل سولوشن, ڈنڈا چلا دو. ٹھیک ہے, کتنا ڈنڈا چلائیں گے, بہار کو کر دو, لیب کو پیچھے پڑا دو, سرکولر ڈیٹ کو پے آف کر دو. بھائی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ وہ اڈیپٹیو ہے. ہم سب کو ایم ٹی آر کو زیادہ مارکیٹ سینسیٹیو ہونا پڑے گا, اور ہم کو زیادہ گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا, اور ٹیکس زیادہ پے نہ پے کرنا پڑے گا. یہاں کی چینج آف پاسٹ پریکٹس اٹس آل ان اڈیپٹیو چینج, اٹس ناٹ اے ٹیکنیکل سولوشن. بٹ ہم کر کے رہے ہیں, وہ ٹیکنیکل سولوشن مارے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں پرابلم سالو ہی نہیں ہوتی ہے. دیٹس دی چیلنج آف پاکستان کے ہمارا نہ کرو اس کو نا. پاکستان زیادہ تر مسئلے زندگی میں وین یو آر گوئنگ ٹو چینج لائک دس, or you're going to go from one level to the next level, is an adaptive challenge, is an adaptive change, is not a technical change. Hum technical change karte hain. Acha, isko solve karne ka kya tarika hai, ye mujhe bataye, what is authority and what is leadership, are they the same? Acha, kis tarah different hai, what is authority? کس طرح پتا چلتا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہو سکتا ہے, سیم ہو, بٹ جی بتائیے. Forwards and errors from Helen's skin, who trust rather than believe what he is doing. Sure. He trusts on his team. Authoritative person always trusts within himself for us. Anyone else? Authority versus leadership. Leadership, the guy would command or innovate something, and he will bring out solutions. If there is a scenario where he's employee is hanging and there is no solution, a leader will give a solution to that problem. And the authoritative person will just say, hey, you have no solution right now, so you are going to be fired. That is what Zalim is an authoritative person. No, not how many people are not like that. They'll have to chale, aage chale, nahi. I think leader is one who brings in adaptive change, and authority is one who brings in technical change. Interesting, interesting. I mean, Amanda, tell me. A leader is a person that inspires his followers, whereas آپ لوگ authority figure can be authoritative, but authority figure can be a leader as well, can be inspiring, can be all of those things. But like, the reason I'm trying to distinguish you is because what I said to you before, there is something called authority figure, which is you've got the title, you've got the rank, you've got the authority, and you can do things. See, that's, and you always wait for that. Or aap kya hain, aap abhi graduate hain, aap kis tarah ha graduation, naam kya aapka, اصل کی وش ہوگی کہ جی میں آئی وانٹ ٹو ڈو دس بٹ آئی ہیو ٹو ویٹ ٹل آئی ہیو دی اتھارٹی ٹو ڈو سم تھنگ. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ابھی کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نو بڑی ظالم سب سسٹم ہے, سسٹم کے اندر جاؤں گا, مارا جاؤں گا, لیکن آپ چھپ کر کے بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں کرنا, ویٹ کرو, ویٹ کرو, ویٹ کرو سسٹم میں. ٹھیک, یہ ہوتا ہے اتھارٹی. اتھارٹی فگر از ابلٹی ٹو ڈو, آپ تو صحیح کہا, ٹیکنیکل چیزیں وہ کر سکتا ہے, بجٹ دے سکتا ہے, ہائر کر سکتا ہے, فائر کر سکتا ہے, بندے لاتا لا سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. But it doesn't necessarily mean that the authority figure is a leader. What is a leader? A leader is someone, a leader is someone who mobilizes people. ٹھیک, اس طرح آپ شدت کسی نے کہا تھا, وہ انسپائرس پیپل, موبلائزز پیپل, سو دیٹ دا پیپل کین ورک آن دا پرابلمس and bring about the change. The difference between technical and adaptive change is also technical. If I am the CEO, I can bring about technical change. If there's an adaptive challenge, a change, I can't do anything. You have to work in order to bring about that change. So I have to mobilize all of you guys, okay, in order for you guys to do the
work to bring about changes in your behavior and the behavior of the organization and the country for change to be brought about. That's the role of a leader. It's very, very different. It's very different. Now, authority figure, जो होता है जो पेडेस्टल पे बैठा होता है उसको सैल्यूट करते हैं बड़ी गाड़ी वगैरह होता है. आई कैन टेल यू वन थिंग, इवन ही वांट्स टू कैरी यू ही कांट बिकॉज़ आई हैव बीन अ सीईओ, आई नो व्हाट इट इज. बिकॉज़ जो उस हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं आप इतने जकड़ जाते हैं, आपको इतने ज्यादा सिस्टम रोक देता है कि यू कैन नॉट लीड टेक्निकली. दैट्स व्हाई जो है ना लोग पोजीशन ऑफ पावर में आ जाते हैं और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं उनसे. उन्हें यार तुम तो बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको पता नहीं होता कि व्हेन यू आर इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपकी इतनी कंपल्शंस होती हैं. आपने किसी को फेवर देना होता है, आपको किसी से डर लगता है, आपको कुछ होता है, क्या होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते. एक्चुअली यू कांट बी अ लीडर. हु कैन बी अ लीडर? यू नो हु कैन बी द बेस्ट लीडर? एन इंडियन, द लोएस्ट ऑफ द लॉट. एंड दैट्स व्हाट द होल आइडिया ऑफ दिस इज. सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द बिग डे व्हेन यू बिकम द सीईओ और यू बिकम द बिग होंचो. You can lead yourself. Why? I can tell you one thing. You know, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. I was a student there. I can tell you, I got so many things done, just by being a student there and going to one professor, gee, sir, can you please do this and X, Y, Z, and then go to another person and to work them and to get it done. I was a student, so nobody got defensive. ठीक है with me? Because मैं किसी की ना position के पीछे भाग रहा था. ना मैं किसी के लिए थ्रेट था, तो वो मेरी बात ओपनली सुन भी लेते थे और मेरी बात मान भी लेते थे. जब मैं अथॉरिटी पोजीशन पे था तो हमेशा वो सोचते थे यार इसका क्या एंगल है जी, वो ज्यादा चीजें रेजिस्ट करते हैं. सो वो ज्यादा चीजों को मेरे मुश्किल होती थी चीज़ों को मनवाने की. बिकॉज दे ऑलवेज यूज्ड टू थिंक ये तो बंदा है, इसका कोई एंगल होगा, ये क्या करना चाहता है, ये आगे करना चाहता है. दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज योर एजेंडा. बट व्हेन यू आर अ जूनियर पर्सन, व्हेन यू आर समवन फ्रेश इन द सिस्टम, then it's a very different scenario. Then you are can be a leader. And the whole idea of doing this is to, as youth, as young people, to tell you that dekhiye authority figure banne mein time lagega lekin leader banne mein time ki zarurat nahi. Authority figure banne mein bahut time lag sakta hai, banne shayad na bane, but leader you can even become today. Why? Mobilizing people around you, understand it's an adaptive challenge. Unko mobilize kare, उनको आगे लेके चले. और जितना आप जूनियर हो, जिस तरह मैं कहता ना पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में माय एक्सपीरियंस है, जितना ऊपर से आते हैं उतना मुझसे काम नहीं होता. हाउ कैन आई बी अ लीडर इन दैट सिचुएशन? हु एम आई एंड व्हाट इज माय पर्सनल नैरेटिव? व्हाट बिलीफ सिस्टम डिफाइन यू एंड ड्राइव यू? व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? व्हाई व्हाट आर अच्छा सब ये बताए ना, वैल्यूज क्या है, what is value system? Again, ये चीजें कभी आपको पढ़ाई भी नहीं होती, but these are very important lessons of life. What are the values? The ethics, the morals we take with us. ठीक. The value, the mission that we are working on, the whole idea. Code of conduct. The mission we are working on, the idea. अच्छा ठीक है. Code of conduct of a society. Code of conduct. That's a value system of society. Yeah, of course. आगे क्या है? Yeah. Give me example of value that you think is very important to you. Honesty is a very important value. It's not value. अच्छा value कभी action नहीं होता. It cannot be more money, more status. That's not a value. Value is something which is an adjective. It's a state of being. Honesty or क्या value हो सकती है? Something that you're passionate about. Integrity. इंटेग्रिटी ठीक है, इंटेग्रिटी है. और क्या क्या है? ब्रिंग चेंज, ब्रिंग अबाउट चेंज, मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस. ठीक है, दैट्स अ वैल्यू सिस्टम. ठीक, व्हाट इज, व्हाई इज दिस वैल्यूज इंपॉर्टेंट टू यू? आपने बता दिया, दीज इंस्पायर यू एंड दीज मूव. ठीक है, वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज हैव टू डू विद इमोशंस. दूसरी बात है, ठीक है, वी ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इमोशनल पीपल. We move by emotions. If something inspires us, it moves into action. अगर वो inspire नहीं करेगा, move नहीं करेगा, emotionally हमें move नहीं करेगा, हम सिर्फ बैठे रहेंगे, नहीं move करते. ठीक है, it's not about the mind, it's about the heart. आप देखें तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, philanthropy हो जाती है, action हो जाता है. It's because someone took a stand
and he took according to action. The question is, jo aapka value system hai, how is it linked to the values that you have? What is your life story that these values move me? Aapki zindagi mein kya hua hai? Ki that's why integrity is so important, that's why honesty is so important, that's why you need it. It's very important. Why? Because it's linked to your life. It's linked to what has happened. Matlab to 100 values hain. Theek hai, sab ke sab aapko move nahi karenge. They will not all of them. Tum kahenge, haan, achhi baat hai, good to have it, but they will not move you into action. There will be some, because it's linked to your life. And that's what I want to show you in a video, if I can, of thank you.
sure you achieve it is because what I wanted to people to see, most of the time they're acting like that. Certain actions, चीजें होती हैं और हम फॉरन स्प्रिंग अप हो जाते हैं एक्शन में. कहीं पे कहीं जुर्म होते देखते हैं, कहीं पे सम पीपल आर वेरी मूव्ड बाय करप्शन, सम पीपल आर मूव्ड बाय इंटेग्रिटी, सम पीपल आर मूव्ड बाय ऑनेस्टी. बट इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्रिवन बाय समथिंग इन योर लाइफ दैट इट इज योर लाइफ स्टोरी, इट इज योर लाइफ, आई वुड से लाइफ एक्सपीरियंसेस. वो नजर आ रहा है which drives your value system. Which drives what? What? Huh? Belief. Belief, value system, belief system. Which drives your actions? Actions for change, particularly. Normally also be. Now, I can assure you, all of you, these things, but you're not aware of it. Of how, why you take action? Suddenly something happens and you like bang in the middle of it. See? The reason why is you have certain beliefs, which are probably hidden from you, like honesty. But, and then this comes from your life experience. And the lady who was there, and I did it because it beautifully explains how she, for 3 years, she didn't talk about university. She didn't speak because some reason, suddenly something happened and the whole thing about dignity and about access to work, because of her own personal experience, she sprang into action. And that also happens to all of us. I have to tell you one thing happened to me when I was, my O-levels, I was studying, but I was not getting good grades. And, you know, my elder sisters were, you know, in a metric top kiya hua tha, in a FSC top kiya hua tha, so I was under a lot of pressure. अपने बच्चे की सक्सेस मोर इम्पोर्टेंट. But he said something else, he said, which was very interesting and I always remember it and helped shape my life. He said, but remember, no matter how much I love you, no matter how much I can do for you, I cannot do it for your success. मैं जितनी भी मेहनत कर लूँगा, मैं जो कुछ भी कर लूँगा, एंड में काम तुमने ही करना है. ठीक, अगर I cannot want it more than you want your own success. मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम बहुत सक्सेस कर जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते होगे तो कुछ नहीं हो सकता. सो व्हाट वैल्यू लाइक इट मींस इट गिव यू वैल्यू सेल्फ रिलायंस. कि जिंदगी में यू कैन हैव अ बिग, यू कैन हैव अ डैड हु कैन सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, अ वेरी वेल्दी डैड, और यू कैन हैव अ डैड हु कांट, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू द हार्ड वर्क. यकीन है, अगर आपके बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिली में है, बट इफ यू आर हेल्थ बेंड ऑन योर ओन डिस्ट्रक्शन, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट. And similarly, if you are not from a privileged background, but you are hell-bent on your success, nothing can stop you in that as well. It's a value system. So, you know, what I encourage you to do is think back into your life and you think about those values and why those incidents that fuel you, because as the lady showed, those incidents are very important because they are a very important part of your history and life. And zindagi mein jab aap kaam karenge aur अगर आप काम करेंगे उस वैल्यूज की अलाइनमेंट में, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी. व्हाई? बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक योर माइंड वर्क, इट्स लाइक योर हार्ट वर्क. आपने इतना ज्यादा एनर्जी होगी, आपने इतना ज्यादा पैशन होगा कि वो आपका उस चीज में आप सक्सीड कर देंगे, गुड कर देंगे. दैट इज व्हाई वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आर वैल्यूज इंपॉर्टेंट? इट्स बिकॉज़ वी ऑल्सो हैव दिस डिजायर. हु हैज अ डिजायर टू do something which is remembered beyond their lifetime, or every human. This is again a great dilemma of life, ka zindagi ka dilemma hai. Aur dilemma kuch is tarah se hai ki we have a finite life, we are born and we die. And yet innate within human beings, har insaan ke andar ye ek tarah hai ki main kis tarah maut ko defy karu, main kis tarah koi aisi cheez karu jo outlast my human existence. Maut ko defy nahi kar sakte, lekin maybe through
you know, your good deeds, everything, children in a good way to do that, yeah, the children will continue, they're good children, they'll continue beyond that. So the question is, what legacy do I desire? Agar aap unke values ke basis pe aap kaam karenge aur cheez karenge, to usme aapka, you will be more passionate about it, you will be at more peace of it, and you will have a legacy that is also in line with your history. उसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि people get confused these days a lot about this. What is the mission? What is the aspiration? किसी को पता है क्या difference क्या है? What could be when I'm an ambitious person, I'm an aspirational person. What is the difference between the two? Any guesses? Ambitions might be self goals, like goals for your own self, and aspirations for the whole. Very good, very close, very good. Ambition is, what did the world give to me? Mera kya hua, meri gaadi, meri ghar, mera cheez, meri success. That's your personal ambition. Aspiration is, what did I give back to the world? Theek hai na, aap se kya hai baat. See, ambition and aspiration, they're two very opposite things. एक आपको एक तरफ खींचता है, एक दूसरे उसी तरफ खींचता है. एक आपको पैसे की तरफ लेके जाता है, एक दूसरे आपको पब्लिक सर्विस की तरफ लेके जाता है. माय थिंग इज, इफ यू वांट टू डिजायर अ लेगेसी, यू नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द टू. अगर इस तरह ज्यादा निकल जाएंगे मिशन की तरफ, तो जिंदगी बेमानी हो जाएगी. बिकॉज इट बी एम्प्टी लाइफ एंड यू लुक बैक एंड से यार मैं तो ये चीज करता रहा और ये तो मुझे कुछ फायदा ही नहीं है इसका. इस तरफ अगर ज्यादा निकल जाएंगे, निकल भी जा सकते हैं, तो होगा ये कि यहाँ पे आपका पर्सनली फैमिली एंड एवरीवन विल नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो द क्वेश्चन इज, व्हेन यू डिजायर अ लेगेसी, यू नो इट्स अ पर्सनल थिंग, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर बैलेंसिंग योर पर्सनल एम्बिशन विद योर एस्पिरेशन. बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग नहीं सोचते इसके मामले में कि जिंदगी में ही है. अच्छा, आजकल ये बड़ा यंग यूथ को बड़ा हो रहा है. एक तरफ आ रहा है कमर्शियल करियर है, आई वांट वर्क इन यूनिलीवर, दूसरी तरफ आई वांट वर्क इन इंडस हॉस्पिटल और ईडी एंड दिस, इट्स अ वेरी बिग ट्रेंड. सो द क्वेश्चन अबाउट द न्यू आइडिया दैट इज कमिंग इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ डू यू कंबाइन द टू टुगेदर, सो वन इज द सेम. अच्छा, आपको भी ये भी मैं आपको बहुत बताता हूँ कि एम्बिशन एंड एस्पिरेशन. एम्बिशन में लोग बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं, अच्छी हाँ बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, और दे विल डू corrupt and wrong practices. But aspiration में दबा के charity दे रहे हैं, दबा के charity दे रहे हैं, बकरे भी कर दबा हो रहे हैं, लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है. But there is a complete disconnect over here. Complete disconnect. What's the point of that? कि आप एक तरफ तो गलत काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको खमियाजा भुगतने के लिए बकरे काट रहे हैं. That's not the way it's meant to be. The question is, you need to have a balance of the two. And even your ambition में ऐसा काम करें कि ये आपकी चीज को पॉजिटिव हो, and that's the way the whole social entrepreneurship is coming. Excuse me, sir. जी जी. So can we say that in order to maintain the balance between two, one should start with an ambition and move towards aspiration? Can we do that? ये भी बड़ा interesting है. दुनिया में वो कहते हैं, you know, अमेरिका में कहते हैं, रिपब्लिकन है, वो very self-centered or big business, or Democrats are about immigrants and everything. उसके कहते हैं, When you are young, you are a Republican. ठीक है, if you're not a Republican, you don't have a mind. ठीक है, अगर आप Republican नहीं है, तो आप दिमाग नहीं है. और when you are older, if you're not a Democrat, you don't have a heart. ठीक है, so there's a way to balance it. But I would think that you can balance it at the same time as well. You can do things. And आजकल के ज़माने में, अगर मैं आपको मैं इस टॉपिक से हट के जा रहा हूँ, you know, आपको मैं बता रहा हूँ, जो बड़े-बड़े businesses हैं, like Alibaba. Like Kareem, ठीक है, like even यार Google वगैरह Apple type की चीजें हैं, they have huge social impact. ठीक है, as long as you don't pollute the environment, आप बच्चों को child labor नहीं इस्तेमाल कर रहे, you're making money, but you're doing a good public service as well by supporting others and creating jobs and everything, and that's what we need to create. But sir, still my question is like, if we look at Microsoft, like Bill Gates started off as while make
but by making money, just, you know, just launching the different softwares and models of the softwares. But still, he is donating the towards the charity of half of his property, yeah. Or he is launching online libraries and all. But after so many years, he is now into aspiration. So yeah. That really gives me the answer. So I totally agree with that. Uski wajah ye hai ki main Pakistan mein ek thoda sa ek trend bhi hai ki anyone who makes money is looked upon very suspiciously. What people don't realize is you should not make money. You can't do charity. Yeah. Simple as that. ठीक है और हमारा रिलीजन में भी जो है हजरत उस्मान गनी वो वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हजरत खदीजा वो वेरी सक्सेसफुल बिजनेसवुमन हजरत अबू बकर दे वर ऑल वेरी गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन पीपल एंड व्हेन द टाइम केम अगर उनके पास नहीं होता तो गल्ला भी खरीदते और कहते नहीं होता तो अगर पैसे ही नहीं है तो आप खेतर से करेंगे सो एब्सोल्युटली आपको जो है प्रोग्राम सही है इवन माइक्रोसॉफ्ट में यू हैव टू डू इट इन एन ऑनेस्ट वे You have to do it the right way. You can't do it only for हमारे जस्ट साहब ने कहा था behind every great boy is a great crime. You know उस तरह की चीज़ों को जो है ना we should avoid it basically in order to be more balanced in life. So ये मैं so this is what I said. I said you know that's why I said you, what are your personal stories? What is your values? What is your drive? Your action and then your action will determine your legacy. और legacy के दो component हैं what ambition what the life gave to you and the other component which is what what did you give to the world? थोड़ा सा आपको मैं अभी टेक्निकल हो जाता मैं क्या क्या थोड़ा सा बता दूँ थोड़ा सा बता सब माई एक्सपीरियंसेस जैसे डोंट लूज योर जॉब टू अ रोबोट विच विल हैपन ठीक है अभी नहीं तो अगले 5-10-15 साल में होगा सो लर्न दीज स्किल्स ठीक है सम ऑफ दीज स्किल्स आर वेरी यू मे नॉट एक्सपीरियंस इट दिस इज द सीईओ ऑफ गोल्डमन सैक्स Goldman Sachs. I used to work at Goldman Sachs for 5 years. Goldman Sachs number one preeminent investment bank. There's no one that's close to it. Goldman Sachs doesn't advertise. It's a very blue chip firm, and I worked there, and it's a great organization. So he's the CEO of Goldman Sachs, and he says the one thing that is lacking these things is what? Writing skills. Because our attention span बहुत कम हो गया है. बहुत हम चीजें बातें-बातें से छोटी-छोटी बातें करते हैं. ट्विटर के 140-280 कैरेक्टर्स में फिट आ जाए व्हाट्सएप का ठक 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 शॉर्ट जाते हैं सो हम लोगों को राइटिंग स्किल्स नहीं होनी चाहिए एंड आई कैन टेल यू इन माय करियर इफ आई हैव बीन सक्सेसफुल द रीजन व्हाई इट वाज बिकॉज माय राइटिंग स्किल्स मेरे तो साथ बचपन में मेरे फादर बैठ के मेरे साथ वो डिक्शनरी वगैरह खोल के पढ़ा करते थे एंड ही यूज्ड टू लुक एट माय राइटिंग फिर उसके बाद मेरे जो बॉस होता था वो यूज़ अ लॉयर वो ऑक्सफर्ड का पढ़ा हुआ था वो उसमें मेरे जो मेमो उसको जो चीट पार्ट करता था मुझे बड़ा सा गुस्सा आता था बट उसके बाद से मैं आई लर्न समथिंग विच इज़ हाउ टू राइट वेरी स्ट्रक्चर्ड वेरी लॉजिकल वेरी नीटली मेमोज विच पीपल कैन अंडरस्टैंड रिमेंबर दिस थिंग हु डू यू राइट फॉर जब आप चीज लिख रहे होते हैं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं मैं सब किस लिए कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन I am today for you, huh? Although I'm more senior than you, I'm more successful than you. But if you don't understand it, I'm not doing my job. It's as simple as that. So मुझे सोचना ये है कि मैं किस तरह किसी को बात समझा सकूँ. When you are writing a memo, and this is very important because all of you would have to write a memo in your life. It's very very important. You are not writing for your own curiosity. You are writing for someone else. You have to write in such a manner that the person can get it. And you have to actually think for him. Give me body part. You have to think that यार आपका CEO memo पढ़ेगा वो क्या बात सोच रहा हो ठीक है ये नहीं के sorry आपका नाम क्या था असद नहीं कहेंगे असद क्या सोचेगा असद कहेगा कि जी अहमद क्या सोच रहा है how can I think like Ahmed and think about what he'll think about and I address that when I read such a memo I say this guy is ready to become the CEO because ये होता है ना you have to start thinking like that so writing memo is very important effective presentation basically comms is very important कॉम्स रोबोट कैन डू इट वी स्टिल हैव टू एंगेज हम जो इस कमरे में हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंगेज कर रहे हैं वी स्टिल हैव टू डू दैट सो द प्रेजेंटेशन स्किल्स राइटिंग स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरह उन्होंने जिक्र किया है सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था मैंने कहा था सोलो फ्लाइट होती है एकेडेमिक में सोलो फ्लाइट ज़्यादातर ठीक है आपने अच्छा मेहनत किया आपने आगे यहाँ पे क्या है कोलैबोरेशन वर्क्स फॉर अ लॉट You're a human and that's why EQ comes in. How can I work with people to be bigger and better than what I can be on my own? This is very important, very critical. Robot nahi kar sakta. How can I create teams? How can I be with other people, empathize with them? Empathy, I've seen, abhi humne baat ki values ki, theek hai.
अगर मेरे में EQ ज़्यादा है, अगर I'm a very EQ-wise achieved person, I will understand what is the values a person follows and what are the things that will move him, inspire him, motivate him, and I'll get them to do the work that they want to do. अच्छा अगर मैं उनकी values के opposite से काम उनसे कराऊँगा, ठीक है तो उनके automatic breaks लग जाएंगे, automatic breaks लगेंगे, they will resist it. So that's why EQ is very important. Lastly, design thinking. This is creativity. All about creativity. How can I design something that people get more out of it, people use it more, and everything? So you have to be more creative with that. These are the things I would think effective writing, memorizing. बहुत ज़्यादा ये है हमारे university में. I was, I'm equally by luck. I had this training that I got better. I think that has been hugely responsible. I have written content that has gone into Prince Charles' speech. I've written content that has gone into Imran Khan's speech. I've written content which has gone into lots of people's speech. And I can tell you one thing, the thing that you know people like with this, that if she can write well and they can look good and intelligent, they really like it. Because not many people can do it, frankly. Not many people can come with ideas. So whatever it is, focus on those things, writing and effective. Branding is very important. Branding is very important. अच्छा जब मैं काम करना शुरू किया था in 2000, was I a brand? Could I be a brand? Could I be a brand? Malik Ahmad Jalal, could I be a brand? Why not? So at that time you were a product, you were presenting yourself. Yeah. Later on, the progress you made into a brand. ठीक बट मेरे वैल्यू सिस्टम की थी ना मेरी एजुकेशन की हुई थी आई मीन यूनिक यू आर अ यूनिक ह्यूमन बी ठीक है यू आर अ ब्रांड व्हेन यू आर बोर्न एवरी टाइम आफ्टर यू आर अ ब्रांड यूनिक ब्रांड इन अ वे ठीक है आपकी जिंदगी में जो चीज़ें हुई हैं वो किसी की जिंदगी में नहीं हुई हैं आपकी एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है व्हाट इज अ ब्रांड ब्रांड इज समथिंग दैट इज यूनिक ठीक है नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज आई डिडंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टेक्निकली मेरा एक्सपीरियंस नहीं मेरा कुछ नहीं ठीक है दैट्स व्हाट यू हैव That's one view. Anyone else? Why couldn't I do it? Why couldn't I do it? Why couldn't I be a person? Because you were doing all things that others would. Both of us, both of us are here. I could still do it. I could still do it. But that's not the reason. Why? Answer is there. Yeah, things like Twitter and Instagram. So I said, if I had made a brand, I would have to hire a PR agency. ठीक है द ओनली वे आई कुड ब्रांड माय सेल्फ शी थिंक अबाउट इट 2000 में कि मैं ऑपेड लिख रहा होता ठीक है ना टेक्निकली दैट्स द ओनली वे यू गेट आउट देयर या मैं कोई वेबसाइट बना लेता वो भी कुछ कम ही लोग कर रहे थे ठीक है बट शोर शराबा तो मचाने के कम के चांसेस थे ना देखा जाए नहीं अब तो आपके पास इतना चांसेस हैं यू हैव योर ओपिनियन लिंक्डइन ट्विटर इंस्टाग्राम सो मेनी वेज यू हैव टू बी ऑन दैट व्हाट आई एम सेइंग इज यू आर अ ब्रांड अच्छा दूसरी बात उस जमाने में ये था एंड दिस इज ऑल्सो चेंज इन सोसाइटी I was a brand because I worked at Goldman Sachs. You're a brand because you work at Unilever. Unilever was a brand, you just piggybacked on it. ये बड़ी thinking होती थी अब वो thinking नहीं रही है अब कहते Unilever तो Unilever है बंदा बताओ बंदा कौन है Now you're a brand. मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ BCG में consultants हैं ये कि क्लास तो क्लास following है And you know what? It's nothing to do with BCG. वो कल को McKinsey जाएंगे, कल को Goldman Sachs जाएंगे, कल को कहीं जाएंगे, उनके followers उनके पास जाएंगे. That gives you a lot of power. If you have a brand like, if you have a brand, अच्छा, brand बनाने के लिए क्या जरूरत चाहिए होती है? क्या चीज चाहिए होती है? You need to get onto LinkedIn, Twitter, Instagram, whatever suits you. Instagram होता है, आप design में हैं, style में हैं, उसमें आप कर सकते हैं. But important areas you need to be, you know, because there are too many people, you need to stand out. So you need to be on a specific topic, you want to come as an expert. I don't know what might be your passion, it could be 10 different things, but I'll see, let's say restaurants ka topic hai, ya some other hobby ka, badminton ka topic hai. You know, you can build a brand around a specific area that you're interested in, one or two specific areas. So do use blogging. The other thing is, how do you stand out? How do you stand out from others? किस तरह आप stand out कर सकते हैं? Other special skills like you travel a lot or you play for a team.
sports hobbies, different hobbies. ठीक है, तो आप distinguish करेंगे कि you're a sportsman, you're a शायद अफीनी या डेविड बेकहम और whatever. ठीक है, तो चले वो भी हो गया. मैं आप next point है. But उससे पहले आप किस तरह आप how did too many ideas out there? यार मैं जब सुबह feed होता हूँ इतने WhatsApp messages आए हुए होते हैं forward as a feed. So do you read all of them? No, but you read some of them. Do you read all of the people? No, you read some of them. How do you stand out? Packaging that you show with your parents. Mm. Appearance makes it, but what else? What is something more deep? What makes people take you seriously? Appearance would be fine, but what, in essence? How you present your special and unique, your uniqueness. How you present your uniqueness to the others? Absolutely, aapki uniqueness hai. Acha, wo uniqueness kiske through aayegi? What is the medium of that uniqueness? Huh? Speech. Speech to presentation hai, but what else makes you unique? Knowledge. Knowledge. Knowledge se aata na. Actually, achhi zabardast insight. Yaar, baat badi zabardast ki thi. Mujhe resonate ki. ये कोई वो 10,000 बातें एक एक तरह की बक रहे हैं, लेकिन इस बंदे की जो बात है यार, इसमें बड़ा खरा बात लगी थी, इंटरेस्टिंग थी. नॉलेज की पैदाइशी तो नॉलेज किसी के दिमाग में डाउनलोड नहीं हो जाती है ना. नोबडी गेट्स इट जस्ट लाइक दैट. नॉलेज इस तरह योर लर्निंग एटीट्यूड. सो एटीट्यूड से होनी चाहिए यार. ये हमारे मुल्क में बात नहीं पड़ती है, कोई बताए ना भी नहीं लोग पड़ती. Learning attitude, if you have it, definitely you will go for the books, you will go to attend seminars, you will go for attending. Absolutely. If you don't have the learning attitude, you will not go. You will not do it. And you will be like everyone else. Yeah. You will be like an average of 10,000 different opinions. You will regurgitate 10,000 opinions and you will like an average person. But if you want to be unique, if you want to be a brand, it is important that you develop original ideas. Original idea, very different. बहुत मुश्किल होता है. मैं ये नहीं कहता 100% original, 50% original कहते हैं. तो उसके लिए आपने क्या कहा? आपने कहा knowledge होना बहुत जरूरी है. Knowledge इस तरह से जो download से यह busy सॉफ्ट है. You have to read it. You have to read. You have to travel. You have to engage in society and you have to go and attend seminars. You have to have this. You need to have an aptitude for knowledge, for thirst, for curiosity. पर किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जितना मैं तुम्हारे साथ किताबें नहीं पढ़ता हूँ. क्योंकि जब मैं इंग्लैंड में था तो मैं जब ट्यूब में चला हो रहा था तो 50 रुपये जाना था दफ्तर, तो मैं बैठा सो रहा होता था या उसका खड़ा होकर सो रहा होता था. तो मैं देखा यार सारे लोग यहाँ पर अखबार पढ़ रहे हैं, सारे लोग किताबें पढ़ रहे हैं. मैं यहाँ बैठा हूँ, कभी किसी का बुक देख रहा हूँ, कभी किसी का बुक देख रहा हूँ, बता नहीं जाया कर रहा हूँ. दिस टाइम टू रीड बुक्स. जिंदगी में आप पाकिस्तान में बैठ के जाहिर करते हैं. Read books. I think there's some best thing that you can do. बहुत ज़्यादा successful लोग हैं वो यही कहते हैं कि if you read books, it makes the most difference. आप देखते हैं Bill Gates का 5 books that he recommends, Elon Musk 5 books that he recommends. All of these things are very, very critical. So, and then do sports and other things. ये मैं आपको बता दूँ, उसका branding के बारे में. Branding के बारे क्या कहते हैं? तो ये आपको शायद नज़र ना आए इधर से. The pre-brand success is self-definition. Again, self-definition, you have to stand out. How come you're different from others? Number two, transparency, authenticity and accountability. Very important word. Transparency, authenticity and accountability. Youth नहीं बोल सकते. That's okay. थोड़ी देर के लिए भला बुरा कहेंगे. People will get impressed. People follow you. But after a while, when they see what your brand is and what your action is, and they see the gap, people will drop. So ये बड़ा important है कि ये मैं आपको कोई बात नहीं बता रहा कि gimmickry होनी चाहिए, ये होनी चाहिए. It has to be transparent, it has to be authentic. Authentic, it has to be true to yourself. True to yourself. And it has to be accountability. यार आपने क्यों नहीं किया? आपने brand जो होते हैं, बड़े बड़े brands होते हैं, उनको अगर कोई गलत हरकत करते हैं तो उनका छुट्टी भी हो जाती है. There has to be an accountability. Now, what gives you authenticity and transparency? Again, your values. Driven things that are driven by values give you a lot of authenticity. And that's why I keep on going back on values. Again, branding is not easy. Again, I want to tell you, branding demands commitment to continual reinvention. Again, evolution to many palace like we have. Her stage pe aapko bale, Richard Branson ne kaha, he was a master of reinventing himself. Ye nahi ki ji main ek dafa Mian Machha ban gaya to bas khatam and I don't really have to do anything. You have to constantly innovate and do new things. Stirring people emotions, very important. Again, talks about values.
Emotions are something which are driven by values and imagination, creativity. All of these things are important. Easy to be cynical. Ab kya kya branding hai abhi ye shosha maar rahe hain upar upar se lipstick nail polish laga rahe hain andar se kuch nahi. It's not about that. For a moment I am not advocating anything that is not authentic, jo aapke nahi hai, sach nahi hai aur jisme transparency nahi hai aur accountability nahi hai. Very very important. So recently there was an incident by D&G. They offended Asian culture, like in China, they in an advertisement they offended the values of those people. So in China they were all banned, the brand was banned, and all the seminars and conferences and all the shows in Shanghai, they all got banned. So absolutely, they were accountable. Absolutely. Apart from being such a big brand. Social media, yeah. Just the show, macha, and all of these things. Abhi main aapke saath jo karne wala hu, I'm going to do an exercise with you. So I've got to get you to do something. But I'm going to do it with you. Which is a very interesting one. Why is relearning so difficult? Why don't people change? It's why is losing weight so difficult? I'm trying to do it and it's not happened. Why is picking up a new hobby so difficult? This is a very interesting model, which is something called immunity to change. Ye Harvard School of Education mein hai, bahut key hai, unka model hai. It's a very simple exercise. If you have a piece of paper and pen, you'll be better off because I think you can do it. Yes. But generally, so the idea is, yeah, why you're committed? You committed to some goal, and why doesn't it happen? And what may be the reason why it's not happening? And if you know why it's not happening, you can do something about it. So I thought that I have told you these things. Ye karna, ye karna, ye karna. So I also give you a tool that how to go about doing it. So number one, tell me a goal. What is the goal you are committed to? Write it down. If you have got a piece of paper, write it down or think about it or do something that you know that what is the goal, because when you get it, you'll get more out of it, you understand and value it with you if you write it down and if you go through the exercise. Some of you will get it first time, some of you will do it second time, third time, but do it like that and inshallah you'll get some insight about your own behavior. So for instance, my thing, what is your goal? Map for the management exercise, what is your goal? My goal was to do more training, my goal was to do more public speaking. So it could be short term and long term both. एक गोला बता दे आप, एक गोल करते हैं शॉर्ट टर्म गोल करते हैं जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं, यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर वर्किंग ऑन इट एंड जस्ट पिक अप एनी वन गोल, इट कैन बी वेरी सिंपल, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, यू नो वर्ल्ड सॉल्व ग्लोबल वर्ल्ड प्रॉब्लम या बिग प्रॉब्लम, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल. जो मेरा प्रॉब्लम था, हाउ डू आई गेट मोर ट्रेनिंग्स एंड हाउ कैन आई गेट मोर पब्लिसिटी, जस्ट द प्रॉब्लम दैट आई वाज वर्किंग ऑन. दिस इज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, आई एम वर्किंग ऑन इट. But it's not happening. Everyone thought of it, or har kisi ne soch liya hai ya har kisi ne likh liya hai. Theek hai? My second point is, what am I doing and not doing that is stopping me? Main kya cheez kar raha hu aur kya cheez nahi kar raha. So in that case, you know what I यार मैंने 15 मिनट से बाद में शुरू की दिया था. स्टार्टेड 15 मिनट से. दैट इज 5 10 मिनट्स से गया. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज. थैंक यू. व्हाट एम आई डूइंग नॉट डूइंग दैट इज स्टॉपिंग. सो माय केस, यू नो व्हाट एम आई नॉट डूइंग, आई शुड बी राइटिंग आउट देयर मोर ऑफन टू पीपल, आई शुड बी पुटिंग ऑन मोर प्रपोजल, आई शुड बी मीटिंग पीपल, बट आई एम नॉट डूइंग दैट. आई एम काइंड ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग. मैं अपना डिले कर रहा हूं, चीजें नहीं कर रहा. तो क्या क्या चीजें आप सोच रहे उसके बारे में एरिया में, ये भी लिख रहे हैं कि मैं क्या कर भी रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा जो मैं कर सकता हूं. See, I'm having a lot of meetings, but when I come to proposals or anything, I'm not doing that. That's all, I'm not doing that. What else am I also committed to? ये तो हमें commitment है ना. I am committed to becoming a better public speaker. That's my commitment. I am committed to doing आपका क्या था?
to become a coordinator, theek hai, to get a promotion, to get a coordinator. Aapka kya hai? First point. What are you committed to? लोगों से बातें तो बड़ी अच्छी कर रहा हूँ लेकिन मैं आगे तक नहीं लेके जा रहा प्रपोजल नहीं कर रहा ठीक है आई डोंट नो मैं जैसे कि अगर मैं प्रमोशन का मेरा ये है सो आई थिंक अबाउट कि यार मैं जो हूँ आई एम नॉट डूइंग एडिशनल प्रोजेक्ट्स और आई एम नॉट रेजिंग माई विजिबिलिटी और आई एम कहते हैं स्ट्रेच असाइनमेंट्स कहते हैं आई मे नॉट बी डूइंग दैट ठीक है आई एम डूइंग बेटर व्हाट आई एम डूइंग बिफोर आई एम मेकिंग लेस मिस्टेक्स बट आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द वे टू डू दैट क्वेश्चन इज व्हाट एल्स आई एम ऑल्सो कमिटेड टू एक तो कमिटमेंट ये है मेरी कोई और भी कमिटमेंट है जो कि ब्रेक कर रही है व्हाट एल्स इज माय कमिटमेंट ये तो थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन यू हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज़ वेरी डीप इट्स नॉट सबकॉन्शियसली दिस इज अ एरिया विद यू नो सबकॉन्शियस आपके ब्रेक्स लग जाते हैं सो लेट मी टेल यू व्हाट माय थिंग वाज दैट इफ आई गो एंड सेंड अ प्रपोजल टू पीपल दैट बेसिकली मींस दैट आई एम नॉट सक्सेसफुल इनफ because that reflects that I don't have enough work or enough things to do but I'm not successful so I'm hesitant in doing that because my commitment is also not to show ki mere paas kaam nahi hai theek is a hidden it's a is and also another commitment if my commitment is ki I look good I don't really need you you know I'm doing very well on my own theek That's one of them. The other thing is, if I have to become better at public speaking, then I have to go and get feedback from people, and it will reveal all of my weaknesses and all of my flaws. So if I do that, if I go really all the way, then all of those things will be highlighted. So that is my other commitment that I have. What is my number one commitment? I want to look good, and I want to look that I don't need you, and I'm doing well on my own. Number one commitment. Number two commitment is I am perfect. I don't need anything. I'm very good in speaking and all those things. I don't need to explore anything. ये आपकी है, आपके other commitments भी हैं. So I'll give you one or two minutes. Just think about it. It's not an easy way to think. कि क्या आपकी commitment, other commitment है, जो आपको stop कर रही है. From so this is one commitment या accelerator पे आपका पैर है this is दूसरा commitment जो आपको पता नहीं है आपका brake के ऊपर आपका पैर गाड़ी की जा नहीं रही है गाड़ी का बस इंजन घूम बाहर टायर घूम ये हमेशा होता है इंसान के साथ हर इंसान के साथ होता है ये so think about it for one or two minutes and if anyone has It's not easy. It's a time that our time comes. When I speak, a lot of time is there, and then you coach people to come think with you and work with you to be able to do that. Okay? Number last is what are my hidden assumptions? The key word is hidden, but also assumptions about myself. Hidden is easy because open the up in the mind. ऊपर के लेवल पे नहीं है सब व्हाट यू कैन व्हाट्स व्हाट आई कॉल द कॉन्शियस माइंड इट इज व्हाट इज सबकॉन्शियस सप्रेस्ड सो आई विल गिव यू एग्जांपल व्हाट इज हिडन अजम्पशन फॉर मी इज हिडन अजम्पशन इज आई एम नॉट गुड इनफ और आई एम नॉट अ गुड स्पीकर इन माय डीप इन माय हार्ट आई बिलीव आई एम नॉट अ गुड स्पीकर एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू अवॉइड डूइंग द थिंग्स that I'm doing, which will prove that I'm not a good speaker. That's my hidden assumption. आप अपने बारे में सोचिए कि क्या आपकी एक तरह से hidden assumption थी, जो कि Would anyone care to share the what it's a bold thing to do, but I would ask. Anyone care to share what they have over here or there? It's
So I said, my commitment was also committed to his kid. I don't want to come across here. Sir? Yeah. Sir, so are there any right now I'm working as a business development manager. So, but this was the job I always avoided throughout my life, that I thought that I can never be a business developer because I don't have that persuasive skills and I don't have that nature that goes with this kind of job. So still I am doing this job and I am really enjoying it, but still within me I still think that this is something that does not collaborate with my nature. So you know, agar hamara time zyada hota, we would have worked out, okay, why is it, what is it in your history, in your life story, that gives you a hidden assumption that you can't do it? You know, you sound perfectly confident, engaging, you know, I would never imagine you have it, but somehow you have it. Theek hai, so you have to acknowledge, kyunki yeh hai, har kisi ka hota hai. So the question is, we'll work out ki kya hidden assumption hai, kya aapki commitments hai, jo aapko fulfill puri tarah. I'm sure you're doing a good job, but you can do so much better. I can imagine that. So ye jo exercise hoti hai, ise kehte hain immunity to change. And all it needs is, as I said to you, dekhiye, nobody, human beings ki kya khasiyat hai, what is the problem, what is the difference between humans and animals, what is the difference? Discipline bada hota hai, wo ho sakta hai. Main aapko jaldi time nahi hai, main bata deta hu. Animal ki ek limit hoti hai performance ki. Theek hai, he can run that fast, he can do so many things, but wo usse beyond nahi kar sakta. Insaan ki limit nahi hai, insaan ki aur atom se limit nahi hai, but insaan can surpass the limit. Insaan ek bhagta tha, bhag bhag ke ek level tak pahuncha, to usne kya kiya, main ghode ko pakad lu. Usne ghode ko harness kiya, फिर घोड़े को हार्नेस करने के बाद उसने कहा स्टीम इंजन मुझे मिल गया, स्टीम इंजन डेवलप किया, स्टीम इंजन को किया, फिर उसने रॉकेट इंजन बनाया और अब जो है वो पता नहीं किस जा रहा है. ठीक, बट इंसान की हैज एबिलिटी. सो व्हाट आई अगेन आई गो बैक टू दिस थिंग बिफोर इज दिस थिंग, यू हैव टू इवॉल्व एट ईच स्टेज ऑफ योर लाइफ. सो ऑल दिस इज हाउ डू यू डेवलप new skills and mindset to grow into the next level, and what is stopping you are your hidden assumptions that you have about yourself. So that's how the thing works. How will the world remember you? You can be an anonymous, there's nothing wrong with that, you can be one of many people in the world. Or you can really be a change maker. Now, I can assure you that all of these people are leaders. ठीक है, ये सारे के सारे leaders हैं. And I can assure you that they are driven by their values. और इन्होंने adaptive change लाए हैं. लेकिन music system पूरी दुनिया में वो होता क्या था, CD होती थी. आपको गाना एक अच्छा पसंद है, लेकिन आपने पूरी CD खरीदनी है. $9 या $10 की आपने किया. बंदे ने उसको उड़ा के रख दिया. 50 billion dollar की इंडस्ट्री. मैंने आईटीओ जब शुरू किया तो मैंने रैपस्टर वगैरह भी थे, तो एक एक गाना आप खरीद सकते हैं एक एक डॉलर का. एम एल ही चेंज इट बिकॉज वाई, बिकॉज वैल्यू सिस्टम कम फ्रॉम दिस वेर ही फेल्ट कि यहाँ पे मोनोपोली प्रॉफिट्स हो रहे हैं. ये खुद सीरियन का बेटा था, ऑर्फन था, एंड द वैल्यू सिस्टम ड्रॉ हिम to build Apple and all those things. Similarly, in the case of Jeff Bezos, Amazon, the richest man in the world. And of course, up to Satar Edi Saab for dignity and humanity and everything. So you can be an anonymous person, you can be a change maker. What I've given you today, in a sense, is very short. I can actually deliver a whole course on it. Actually, IBM, I've submitted a proposal to do this over 28 lessons, basically. Some of it, but over a long period of time, so that people get into more depth on this whole thing. How to be that, to be a change maker is, you have to be a leader, you have to be not a technical leader but an adaptive leader. Then you have to be driven by values, values derived from your family, from your life, into action. The things that you need to learn, the things you need to learn, like writing, jo bhi cheez duniya mein aayi hai jo na, writing, communication is very important. Why? Because the most important thing is you
the only way I can persuade you is through argument. If I can't do that, I'm just by myself. Main akela hi. So communication skills, so then the other thing is collaboration, design thinking. You may not know that. Then the other thing is you should see yourself as a brand. Don't think of yourself as a number. हम लोग समझते थे यार आप तो नंबर हो. I am employee number 12,000 in Goldman Sachs. ठीक है. But you have the ability as you to be beyond that and to build a brand around it. And then that's why what's very important. You mean exercise किया आपको मैं थोड़ा सा आपको idea हो गया होगा. The exercise is very powerful because when you do it properly and you think about it, it will tell you something about yourself that has stopped you not only in being a business development person, but in doing a lot of other things in your life. अंदर से वही चीजें होती हैं जो इंसान को break लगा देती हैं. Then in the end, I would say be a change maker. आपने किसी ने आपने वो movie देखी है Any Given Sunday? Any given Sunday. So, very interesting movie or script. Basically, it's not for the team. Any given Sunday. So, suppose the team is hard, so he gives a motivation speech at the end. I'll let you know there also. So, this is not exactly that. This is not exactly that, but I've kind of paraphrased it, shortened it. It says something very like, just a game of inches. Life is a game of inches because the margin of error is so small. One half step too late, too early, you don't quite make it to the goal. One half second too early, too fast, you don't get it. The inches you need are everywhere around, in every minute, in every second. If you want to succeed, you fight for a change. Especially here, you have to be self-reliant. You have to go and work for everything. You have to develop the presentation skills, you have to develop the writing skills, you have to develop your brand, you have to work on all of that. The good thing is you have the opportunity. Ask me some any opportunity, I can tell you that. You did, even if you wanted to, you couldn't have done it, other than you spent a lot of money. The guy who's willing to die, who's going to win that age, meaning, who's willing to give up to lose the most. The most thing that you can give up is your life. That's the most you can give. So the person who's willing to lose the most, actually, it's not the person who's the strongest. If a stronger, agar aapko been in a fight, jo banda aapko lagta hai pagal hai, and he's willing to go anywhere, humko se ghabrata hai. यार आप से ना करो से बहुत पावरफुल इज द स्ट्रांग लोग भी घबराते हैं डर लग बिकॉज वेन यू ऐड द इंजन इज डिफरेंट इन द बिगिनिंग एंड यू शुड हैव द होल थिंग जब आप अपनी जिंदगी में छोटी-छोटी सक्सेस हो मैं नहीं कह रहा कि आप जावेद ने अल्लाह का लाख और छक्का मारे एंड यू विल बिकम अ हीरो बट इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हेन यू डू एंड यू डू इट सक्सेसफुली सो इंशाल्लाह दैट इज द डिफरेंस दैट इज गोना मेक बिटवीन एंड लूजिंग माय नेम इज मलिक अहमद जलाल आई डू पोस्ट अ लॉट ऑफ दीस सम ऑफ दीस मैसेजेस on LinkedIn and everything. So, agar aap mujhe connect karna chahe, to more than welcome to do that. Thank you. Thank you. Thank you. Are you done? Yes. Just now. You like now? Yes. Good morning. Mash. Very impressive special. Talk out. Ek big round of applause for. ये स्पेशल कराची से आए हैं और बहुत बड़ा दाना इन्होंने माशाल्लाह इसको ट्रांसफॉर्म किया. अमन फाउंडेशन बहुत बड़ा एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है. लाहौर के पढ़े हुए हैं, पूरी दुनिया माशाल्लाह देखी है और अब अपने एंटरप्रेन्योर बन गए हैं. तो इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है और स्पेशल हमने इनके लिए एक जो है लास्ट जो ओरिजिनल रोज है और इसके ऊपर इनका नाम हमने ग्रेव करके आज तक इनको दिया होगा. इनकी मिसेज ने भी दिया होगा जो मैनेजमेंट हाउस वाले दे रहे हैं गुलाब दिया होगा लेकिन ये नाम शायद ऊपर ना लिखा हो. डावोस में हम कटे गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे. वहाँ हम दुनिया के जो बड़े बड़े जैक मा आपने सुना होगा मिट्टर टाटा बिरला किरला इंडिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स हार्वर्ड के प्रेसिडेंट्स वहाँ ट्रंप आए हुए थे मोदी थे पूरी दुनिया के बड़े लोग. हमने वहाँ पाँच दिन भर माइनस 20 टेम्परेचर में हमने लास्ट ईयर इकट्ठे गुजारे. तो बहुत बड़ी दोस्ती है और हाई इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी है और ग्रेट ऑनर फॉर मैनेजमेंट हाउस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कराची. थैंक यू जलाल. थैंक यू फॉर योर. अब आपका हमारे सर हाँ जी किताब माशाल्लाह. थैंक यू बच्चे सर. ये किताब भी आपके साथ जाएगी और ये मैगजीन रहेगी. ये ऐसे होगा जी जैसे
اب ایک سیلفی کا موڈ ہے سیلفی آپ اس کو رکھیے اپنی